अयोध्या में एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था श्री रघुनाथ दास। अद्भुत महात्मा, क्या कहना, बड़े संत से भी महात्मा। दिन रात साधु संतों का भंडारा चलता रहता था। बड़े तपसी थे। उस जमाने के बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे, तो बड़े अधिक से अधिक महात्मा उनके आश्रम आते थे। भंडारा दिन रात चलता रहता था। महात्मा किसी से कुछ लेते ही नहीं, जो आ गया सो राम जी की इच्छा। भंडारे में कभी देखने नहीं जाते, कितनी कृपा, साहब जय जय। कोई संत भूखा ना रहे, यही दृढ़ता थी उनकी, यही संकल्प था। एक दिन भंडारा बनाने वाले कोठारी ने आकर के कहा, महाराज भंडारे में सामग्री तो कल के लिए नहीं है, कोई प्रबंध करो, कहीं से मंगाओ। संतों की मूर्तियां ज्यादा रुकी हैं, 4-5 हजार मूर्तियां हैं, और कल के लिए कोई प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, जरा व्यवस्था करो। महात्मा श्री रघुनाथ दास ने कहा, चिंता मत करो, भगवान व्यवस्था करेंगे, ठाकुर जी श्री सीताराम जी व्यवस्था करेंगे, वो अपने आप कृपा करेंगे, चिंता मत करो। अब महात्मा कोठारी तो चले गए गुरु जी की जो आज्ञा, लेकिन श्री रघुनाथ दास जी की आंखों में आंसू आ गए। हे रघुनाथ, हे कनक भवन सरकार, और तो सब ठीक है, कल भोजन के लिए व्यवस्था नहीं है, अन्न नहीं है, सामग्री नहीं है, साधुओं की मूर्ति आ जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि महात्मा भूखे चले जाएं तो हमारी नाक कट जाए। शाम हो गई, भोजन त्याग दिया कि अब जब तक व्यवस्था नहीं बन जाती है, रघुनाथ जी कोई कृपा नहीं कर देते हैं कनक भवन सरकार, तब तक हम अन्न ग्रहण ही नहीं करेंगे। हाथ में माला ली और माला लेकर के मंदिर में अपने आश्रम में, जो रघुनाथ जी जहां राम जी विराजमान थे, वहीं जाकर के बैठ गए। कभी रघुनाथ जी के चरणों की तरफ देखें, कभी मुख की तरफ देखें, कभी मां की तरफ देखें, और हाथ से माला जपें, आंखों में बार बार नीर भरावे, बार बार आह्लादित हृदय हो जावे, बार बार रोवे और रघुनाथ जी से कहवे, तुम बिन कौन हमारे, अब कौन है तुम्हारे बिना। हमने सुना सरकार आपने अनेकों की लाज बचाई, द्रौपदी की लाज बचाई, आज अब हमारी लाज बचा लो। नाथ लाज हमारी नहीं, लाज बचाने की बात तो आपकी है। और हाथ जोड़कर जोर जोर से कहने लगे, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग। हे गोविंद, हे रघुनाथ जी, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि अब तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। अब अगर लाज नहीं बचाओगे तो लोग हंसी करेंगे। कल संतों का भंडारे की व्यवस्था नहीं है, सामग्री नहीं है, आप कृपा करना। बैठे बैठे मध्य रात्रि हो गई। रात्रि की मध्य रात्रि जैसे ही पहुंची, आंखों में आंसू एकदम, नींद बिल्कुल नहीं, बार बार रोए जा रहे रघुनाथ जी की तरफ देख करके। लेकिन तब तक देखा सामने 3-4 बैलगाड़ी चली आ रही हैं, उस पर एक सुंदर सा राजकुमार बैठा हुआ, बगल में कोई दुल्हन बैठी हुई है, सामग्री लेकर के आश्रम के अंदर वो गाड़ी आकर के ठहर गई। तो पूछा कि कौन है, तो उस राजकुमार ने जवाब दिया, महाराज मैं यही अयोध्या में रहता हूं, राजघराने कनक भवन से आया हूं, राजा का बालक हूं, और जो राजा हैं कनक भवन के टीकमगढ़ नरेश, उन्होंने आपके लिए कुछ सामग्री भेंट भेजी संतों के भंडारे की। वाणी से लग तो रहा था कि सरकार है, लेकिन राजा ने जरूर भेजी होगी, भगवान की ही तो लीला है। अच्छा अच्छा रख दो। बगल में एक दुल्हन को देखा, ये कौन है, सरकार ये हमारी
धर्म पत्नी। आहा, बहुत अच्छा। भगवान राजकुमार, उस राजकुमार ने उस नवयुवती दुल्हन ने प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि सरकार, हम दोनों का विवाह अभी अभी कुछ दिन पहले हुआ है, आप आशीर्वाद दो कि हमारा गृहस्थ जीवन मंगलमय रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आशीर्वाद। राम जी चले गए। सामग्री को देखकर महात्मा आनंद में भर गए, चलो भगवान की कृपा हो गई, राजा ने सामग्री पहुंचा दी, सुबह की व्यवस्था बढ़िया हो गई, अब तो बढ़िया रहा। सुबह भंडारा बनकर के संतों को पब गया, अपार संपत्ति आ गई, अब तो कोई कमी नहीं संतों की, न संतों के भंडारे की। तो महात्मा कनक भवन दर्शन करने गए कि हम राजा को धन्यवाद दे आए कि उन्होंने सामान भेज दिया तो संतों का भंडारा हो गया। जब कनक भवन गए तो पूछा कि यहां कोई राजकुमार राजा का आए थे क्या कल? तो वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि यहां तो कोई राजकुमार नहीं आया। तो बोले, राजा कहां है? बोले, वो तो अपनी रियासत में है। तो बोले, राजा आए क्या? बोले, राजा भी नहीं आए। तो बोले, क्या राजा के कोई नव अभी शादी आदि हुई क्या राजा के घर में? बोले, उनके यहां तो कई सालों से शादी नहीं हुई। अब तो आंखों में आंसू आ गए और कनक भवन सरकार सामने विराजमान थे, समझ गए कोई और नहीं, हमारे रघुनाथ जी ही राजा का राजकुमार बनकर के हमारी लाज बचाने आए। चरणों में लौट गए। धन्य है आप, आपने हमारी लाज बचाने के लिए कितनी लीलाएं नहीं की। ऐसे हमारे सरकार हैं, जो हमारे ठाकुर जी की शरण में आता है पागलो, हम आपको बताना चाहते कि हमारे गोविंद, हमारे ठाकुर जी संसार के सब नियम तोड़कर अपने भक्त की लाज बचाने आ जाते हैं। लेकिन जो इनकी शरण में आता उन्हीं पर कृपा होती है।